अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसार व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है रमजान स्पेशल फालूदा। इस रेसिपी को फुल वॉच करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालूदे की सिमई बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 कप कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून शक्कर, 1 कप कॉर्नफ्लोर, तो 3 कप हम पानी लेंगे, तो इससे सिवई अच्छी बनेगी। अगर पानी कम ले लेंगे तो कॉर्नफ्लोर आटा ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे सिवई हमारी टूट जाएगी और सही नहीं बनेगी। अच्छे से हम चला लेंगे। अच्छे से मिल गया ये। अब हम पैन गरम कर लेंगे, उसमें हम अच्छे से इसे पका लेंगे। जो शक्कर लिए थे हमने 2 टेबल स्पून, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि सिवई ये फिक्की नहीं होनी चाहिए ना, थोड़ा मिठापन रहने चाहिए उसमें, इसके लिए हमने शक्कर मिलाया है। फालूदे में जो एक चीज और लगती है वो है सब्जी का बीज। इस तरीके से दिखता है, देखिए काले रंग का। इसे हम 3 चम्मच भिगो लेंगे। ये फूल के बहुत ज्यादा हो जाता है, आप अपने हिसाब से भिगो सकते हैं। ये 10-5 मिनट में अच्छा फूल जाता है ये। अब इसे हम सेट में रख देंगे। कॉर्नफ्लोर को जो हमने पानी में मिला के रखा था, अब इसको हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे इस तरीके से। स्लो आंच पे रख के हम इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे और इस तरीके से ही हम इसे अच्छे से पका लेंगे। स्लो आंच पे पकाना है, ज्यादा फास्ट नहीं रखना है हमें। थोड़ा थोड़ा पकने आ गया है ये, देखिए इस तरीके से। इसे और पकाना है हमें जब तक का पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है। ये बनके रेडी हो चुका है, देखिए ये किस तरीके से, देखिए टर्न हो रहा है ना, इसी तरीके से होने चाहिए, तो समझ लीजिए कि बन चुका है ये। इसे गर्मा गर्म ही तोड़ा जाता है, इसलिए जल्दी से हम इसे जिसमें तोड़ेंगे ना उसमें मैं बताती हूँ आपको, सिवइयों की मशीन जो है वो उसमें मैं डाल के बताती हूँ आपको। जिसमें हम सिवइयां तोड़ेंगे, ये बड़ा बॉल ले ली हूँ मैंने, इसके अंदर ठंडा पानी और कुछ बर्फ के टुकड़े हैं, तो इसमें सिवइयां हमारी अच्छी सेट हो जाएगी। और ये ले ली हूँ मैंने सिवई तोड़ने का जो आता है ना चकली का, ये इस तरीके का मेकर है ये, और ये इसकी जाली है, इसमें एक बारीक भी आती है इस तरीके की मोटी भी, तो मैं ये वाली यूज करूंगी, आपको बताती हूँ किस तरीके से। अब इसमें हम अपना बैटर डाल लेंगे। जल्दी जल्दी हम गरम बैटर ही इसमें भर लेंगे, तो सिवई हमारी अच्छी टूटेगी। अब हम इसे इस तरीके से घुमा लेंगे और हमारी सिवई है, जल्दी जल्दी करना है हमें। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी टूट रही है। सभी सिवइयों को हम इसी तरीके से तोड़ लेंगे। सेकंड टाइम भी मैंने इसी तरीके से भर ली हूँ, देखिए
ये देखिए फालूदे की सिमई ये बनके रेडी हो चुकी है, आप लोगों ने देखा। और इसे जितना देर हम ठंडे पानी में रखेंगे उतना देर ये सेट हो जाएगा और इसका टेक्सचर उतना ही अच्छा लगेगा। अब इसे हम सेट में रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए, फिर उसके बाद में आप लोगों को बताती हूँ। सिवैयों को 10 मिनट हो गए हैं, इसे ठंडे पानी में और बर्फ के साथ रख के देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है। घर में बनाइए आप, बिल्कुल फ्रेश और अच्छी बनेगी। आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो ये देखिए। अब मैं आपको एक गिलास बना के बनाती हूँ फालूदे का। इसका सबसे पहले हम गिलास में बर्फ ऐड कर लेंगे। फिर हम इसमें सिवैये डालेंगे अपनी जो बनाए हमने। ये सब्जी का बीज है, रोजा, दूध ऐड करेंगे, ये टूटी फ्रूटी है, अब उसमें हम आइसक्रीम ऐड कर देंगे। थोड़ा गार्निश कर लेंगे ऊपर से। ये देखिए फ्रेंड्स, फालूदा बनके रेडी हो चुका है। आप लोगों ने देखा मैंने किस तरीके से बनाया, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। आप लोग कमेंट्स करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।